अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अस्मारा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में अच्छे से रखे और हंसा मुस्कुराता रखे। और आज हो गई है दोपहर हो गई है और बहुत जबरदस्त मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। आज हम लोग जाने वाले थे सीटों पर, हम लोग बहुत देर से उठे हैं क्योंकि देर से रात को सोए थे, तो उसमें देर से आँख खुली है, देर से उठे हैं। तो अब हम लोग शाम में कुछ बाहर चले जाएंगे बच्चों को लेकर थोड़ा घूमने फिरने ऐसी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। अस्मारा आराम, आज हम लोग बाहर चलेंगे, झूले झूले चलेंगे। तो फिर ना आप लोग अपनी दीदी से जो है ना झूले झूलना, बोलो कि अपनी दीदी से झूले झूलेंगे। हमारे बहुत ठीक है, कम क्या है, क्या करना है, कम का क्या, बच्चे खेलते ही है ना अपने पैसे से ही मिलकर करते हैं। और चीज भी तो खाओगी ना फिर? मैं नहीं दूंगी अपनी दी किसी को भी, तो सब अपने अपने पैसों से चलेंगे, फिर मजा आएगा ना। नहीं ना, नहीं हाँ 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 नहीं 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 नहीं। तो एमन यहाँ पे सो रही है मजे से कैरी कोर्ट के अंदर, और हमने पढ़ ली है नमाज वगैरह भी पढ़ ली है। अब हमने कर रही हूँ मारा था, क्या करती पढ़ लिया है मम्मा, मैं प्लांट्स को पानी दे रही हूँ क्योंकि मम्मा प्लांट्स को भी हमारे जो है पानी की जरूरत होती है क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग है। हेलो गाइस, मैं तो ना कुछ इनको डाल दूंगा ना, हमें उनको भी खाने की जरूरत होती है। कपड़े पहन लू कौन से सारा? ये वाले देखे हैं ठीक ठीक पहन लो, अच्छे हैं ये, अच्छे लग रहे हैं मुझे भी, बहुत अच्छे। मम्मी ने दिए थे ना आपको सीकर? मम्मा ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं यही पहनूंगी यार। चलो ठीक है सिलकर के आप तैयार हो जाओ आप लोग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ और मम्मा खाना बनाने में लगी हैं क्योंकि हम अगर से ही खाना खाते जाएंगे। और आप बताइएगा ये मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है क्या? नहीं गाइस, हम लोग खा रहे हैं समोसे, शाम तक जब भूख लग रही थी हमें तो हमने चाय बनाई और समोसे खा रहे हैं। ये सिर्फ टमाटर की बनती है तो ये चिकन में मैं डाल रही हूँ टमाटर, इन टमाटर डाल रही हूँ मसाले, कुछ भी मसाला ज्यादा नहीं डाला इसमें, ये बहुत मजे की बनती है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। इसमें डाली मिर्च से मिर्च है 2 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी डाली मिर्च के अंदर नमक, और उसको कर देंगे हरा धनिया और क्या नाम है हरी मिर्च डालेंगे। भूनना है लाने के लिए रख दूंगी इसको ढक्कन ढक्कन ताकि बस अब इसको भूनना हो, ये भून गए बस अब डालेंगे हरा धनिया और ये रेडी हो गई, बहुत मजे की बनती है। तो गाइस हम लोग बस जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं यहीं करीब में हमारे, तो हम लोग बस जल्दी पहुंच जाएंगे। हम लिफ्ट में आ गए हैं बस, और फिर हम लोग निकल रहे हैं बस, फिर पहुंच के दिखाती हूँ आपको। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं, ये करीब में ही हमारे घर के पार्क, ये बहुत अच्छा है, छोटा सा है पर बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत सारे झूले हैं बच्चों के लिए तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, हम लोग यहीं आ जाते हैं जब तो अरहम अस्मारा जिद कर रहे थे प्ले एरिया के अंदर जाने का, तो फिर हमने लिए टिकट और अस्मारा अरहम गए प्ले एरिया के अंदर और फिर खेलना शुरू हो गए। अस्मारा अरहम को प्ले एरिया के अंदर जाना बहुत पसंद है, खुश होते हैं वहाँ पर जाकर, और वहाँ बहुत अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है तो उन लोगों को बहुत अंदर मज़ा आता है। और वैसे भी अस्मारा बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से, अरहम थोड़ा सुस्त थक जाता है खेल खेल कर पर अस्मारा नहीं थकती। तो अरहम अस्मारा दोनों खेलने में मसरूफ थे, मज़ा कर रहे थे, खुश थे, और माँ बाप के लिए तो बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमें भी अच्छा लगता है उन्हें यहाँ पर लाकर, तो जब हम वो लोग बोर होते हैं या वो लोग
के पढ़ पढ़ कर थक जाते हैं या खेल खेल कर घर में ही थक जाते हैं, तो फिर हम उन्हें यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं, मज़ा कर लेते हैं, तो फिर हमें भी अच्छा लगता है जब वो लोग खुश होते हैं। तो और यहाँ पर बहुत सारा रश था, बहुत बच्चे आए हुए थे क्योंकि ईद का मौका था। ईद तो ख़त्म हो चुकी थी पर फिर भी ईद के कुछ दिन ही थे, तो अभी छुट्टियाँ आई थी बच्चों की, तो बहुत मज़ा कर रहे थे बच्चे, यहाँ पर आए हुए थे इंजॉय कर रहे थे, तो वो ज़्यादा बच्चों में फिर बच्चों को और मज़ा आता है। अरहम खेलने में मसरूफ़ था, अरहम स्लाइड कर रहा था, असमारा अपना मसरूफ़ थी, अरहम अपना मसरूफ़ था, दोनों अलग अलग खेल रहे थे, तो और हम दोनों एमन को लेकर बाहर खड़े हुए थे, वीडियो बना रहे थे अरहम असमारा की और देख रहे थे दोनों को खेलते हुए। आके खुश होती है। और फिर यम एमन का भी हमें झूला दिख गया था, अंदर ही प्ले एरिया के अंदर था बच्चों का, तो फिर ये मैं एमन को अंदर ले आई थी, एमन को बिठा दिया था झूले में, असमारा झूला दे रही थी और एमन के पापा एमन की वीडियो बना रहे थे बाहर से, और एमन माशाल्लाह से खुश हो रही थी, ये 33 दे रही थी फिर भी खुश हो रही थी, और एमन तो वैसे भी बैठ जाती है, टॉकिन वाले झूलों में भी हम एमन को बिठाते हैं, एमन बैठ जाती है, रोती नहीं है माशाल्लाह से। देखे मैं कितनी ज़ोर ज़ोर से दे रही थी, इनके पापा की तरफ कर रही थी और वो हंस रही थी बहुत, और ये देखें आप देख सकते हैं कितना कुछ है बच्चों के लिए, ये कश्ती है पानी में चल रही है छोटे बच्चों के लिए बैठ कर चलाने। और फिर ये देखें गाइस कि यहाँ पर कितना लोगों ने कचरा किया हुआ है, गंद किया हुआ है, कितनी ख़राब कर दी है पार्क को। और ये फिर हम दोनों गोला गंडा खाते हुए जा रहे थे और फिर ये असमारा आ गई थी और ये बैठे हैं दोनों झूले पे, और ये झूला बहुत तेज़ था गाइस, फिर भी असमारा और हम बैठे ज़िद करके, और ये देखें कितना तेज़ से चल रहा है, फिर भी असमारा और हम डरे नहीं और खुश हो रहे थे। तो झूले आ झूला झूला खूब इन लोगों ने इंजॉय किया इस झूले में, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ की, और मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, हाथ छोड़कर बैठ गए थे। तो मैं और फिर असमारा ने ज़िद की कि मुझे फेस पेंटिंग बनवानी है, तो फिर असमारा के फेस पे बन रही थी पेंटिंग मिकी माउस की, और अरहम ने ज़िद की कि मुझे भी बनानी है, तो दोनों के फेस पे फिर फेस पेंटिंग हमने बनवाई, असमारा के फेस पे मिकी माउस बना रही हैं वो, और अरहम के फेस पे डक बनाई, और उसके बाद हम लोग बस घर जा रहे थे। तो गाइस बस व्लॉग को करती हूँ एंड, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।